चल। चुरन रुको रुको, हमें उसकी मदद ले लेनी चाहिए। मुझे यकीन है वो हमें यहाँ से बाहर ले जाएगा। मान जाओ, मेरी बात मानो। चलो मेरे साथ। अरे यार, मेरी मदद करो, मेरी बेटी और चुलियन की सुरक्षा। एस्परेंजा चलो। क्यों, क्या हुआ? वो एनजीओ वाला पागल फिर से आ गया क्या? बाहर चलना है मैदान में। ओ अच्छा, मुझे और सजा नहीं मिलेगी? बाहर की रोशनी तो देखने मिलेगी। जल्दी करो वरना मैं मन बदल लूंगी। नहीं नहीं, चल रही हूँ। आज सब कितना अच्छा हो रहा है ना? देखो, इबागू जाने वाली सारी बसेस यहाँ से जाती है, और वहाँ से तुम कहाँ भी जा सकते हो। तुम्हें जाना कहाँ? बैग पहुँचना है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस रोकता हूँ। और तुम्हारी जॉब का? मैं वैसे भी एक लड़के की जगह काम कर रहा था जो यहाँ काम करता है, वो आज काम पर नहीं आया था। मैं इबागू में ही रहता हूँ, घबराओ मत। ठीक है, तुम आगे चलो। हाँ ठीक है, चलो। मुझे इस पर भरोसा नहीं। हम बस इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर टाटा बाय बाय। हम भी फंस सकते हैं मिकेला। मुझे नहीं पता तुम वो क्या बोल रहे थे कि तुमने डीएलए एजेंट को मार डाला। मुझे नहीं पता। चलो, पुलिस यहाँ हर आधे घंटे में आती है। चलो हम आते हैं। मैंने किसी को नहीं मारा जूलियन, किसी को नहीं। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम्हारे नाम पर इनाम घोषित किया गया है, लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम्हें अपने आप को बचाना ही होगा किसी भी तरह। चलो जल्दी करो। हाँ आते हैं। पता है तुम्हें, पता है तुम्हें। चलो सोच लो क्या चाहिए, पर मैं तुम्हें सच बता चुकी हूं। चलो जल्दी करो, बस आ रही है ये लड़की ना। अरे कितनी देर लगा रहे हो, चलो चलो। हाँ आ जाओ, जल्दी बैठो। हाँ चलो चलो चलो। तुम सोच भी नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। आज कितने दिनों बाद जुलियन की आवाज सुनी मैंने। अच्छा पता है क्या कहा? क्या? यही कि वो हर वक्त मेरे बारे में सोचता रहता है, सिर्फ मेरे बारे में। देखा तुमने, देखा ना तुमने, तुमने भगवान से प्रार्थना की थी और वो हमेशा तुम्हें मुसीबत से बचाता है। पर मिकेला के बारे में कुछ तो बताओ, उसके बारे में क्या कहा उसने? कैसी दिखती है वो? खूबसूरत है, बहादुर है ना वो? सब बताती हूँ मैं। वो बिल्कुल ठीक है, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो हर मुसीबत से निकल के आगे बढ़े और खुश रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम्हें पता है ना भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। और आज तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, वो तुम्हें फिर से मैदान में आने देंगे, तुम सूरज की रोशनी देख पाओगी, क्योंकि अंदर रहकर तुम सच में वो देखो। क्या? देखो ना। क्या? देखो वो जानवर वापस आ गया है। सियरा को पता है कि मैंने डायरेक्टर को उसके बारे में बता दिया था। रीटा मेरी मदद करो, मेरी डायरेक्टर से बात करवा दो। वो किस लिए? सियरा वापस आ गया है और वो कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि डायरेक्टर तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड भेज देगा? तुम अच्छे से जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें पता है सियरा क्या चाहता है, प्लीज मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगा। वो एक जानवर है और मुझे मारने का मौका ढूंढ रहा है, मेरी मदद करो प्लीज रीटा। पता नहीं वो उस खून का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। याद है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया? हाँ, मैं गलत थी। क्या कहा तुमने? मैं गलत थी। अब खुश हो? तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? एक और बात बता दो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किसी का खून नहीं कर सकती। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें किस गुनाह की सजा हुई थी? अपने दोस्त की बीवी को मारने के जुर्म में, जो मैंने नहीं किया, और मुझे 20 साल की सजा मिली। 20 साल? अगर मुझे इतनी सजा होगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। देखो मिकेला, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम मुसीबत में नहीं हैं। मैं हूँ, तुम्हारी परेशानी इससे अलग है। लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। क्या तुम चाहती हो कि हम अलग हो जाएं? नहीं। इसलिए हमें लोगों की नजरों से बचते हुए सैलेंटो पहुंचना होगा किसी भी हाल में।
नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। पर तुम वहां जाकर क्या करोगे जूलियन? वहां एक औरत है, वही हमारी मदद कर सकती है। वो एक लौती गवाह है जो जानती है खून मैंने नहीं किया है। अगर उसने गवाही दे दी तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ की मदद कर सकता हूँ जो कि मेरी तरह बेगुनाह होकर सजा काट रही है। पता नहीं उसने तुमसे क्या क्या झूठ बोले हैं, पर वो जेल में बंद है क्योंकि वो इसी लायक है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, इसके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें ये फॉर्मूला पता है ना कि कैसे 20 या 40 या 60 तक जाना है? पता है ना? ओके, वेरी गुड। सुनो, हमें इन्हें बहुत ध्यान से करना होता है। अलग अलग कलर से मार्क कर दो इन्हें, जैसे कि ये वाला उनके लिए जो हमारे पास 20% है, और ये वो है जिन्हें 60 दिनों के बाद पेमेंट करनी है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये क्लाइंट्स बहुत खास हैं। समझ गए ना तुम? बताओ, समझ गए ना? हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने कभी नहीं चाहा कि सियरा और मेरे बीच कोई भी संबंध हो। उसने तो मुझे बाथरूम में बंद करने की भी कोशिश की थी। सस्पेंड होने से पहले उसने मुझसे क्या कहा था आपको पता है? कि वो मुझे कुछ भी करके हासिल करके रहेगा। मैं तुम्हारी इन फालतू की बातों से तंग आ चुका हूँ। तुम बार बार जेल के हेड की शिकायत करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब भी चाहो यहाँ आकर हेड को बदनाम कर सकती हो? एक मिनट सर, एक मिनट। मैं उससे बदनाम नहीं कर रही हूँ। मेरे पास एक गवाह है जो ये साबित कर देगी कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ सर। सेल में मेरी जो पार्टनर है उसने सब कुछ देखा है, और आप चाहें तो उसे बुलाकर पूछ सकते हैं। तुम्हारी दोस्त तो वही कहेगी जो तुम उससे बुलवाना चाहोगी। नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगी, मेरा यकीन कीजिए सर। मिस्टर डायरेक्टर, मेरी बात सुनिए। मेरी बात, तुम ये बात अच्छी तरह समझ चुकी हो कि यहाँ काम कैसे होता है। अगर तुम हमारा साथ दोगी, हमें फरार हुए कैदियों के बारे में जानकारी दोगी, तो मैं भी तुम्हारी बात पर ध्यान दूंगा और तुम्हें बचाने के बारे में सोचूंगा। बोलो, तैयार हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं पता है। बस यही तुम गलती कर रही हो, क्योंकि मेरे लिए ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। पर इसका दूसरी परेशानियों से क्या लेना देना? एक बस तुम ही हो जिसे जेल के हेड से परेशानी है। ऐसा नहीं है। पहले तुमने उसे फरार कैदियों का साथी बताया, और फिर ये साबित हो गया कि ये सिर्फ तुमने उसे बदनाम करने के लिए किया था, और तुम उससे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? नहीं, ये सच नहीं है सर। बाहर ले जाओ इसे, और ध्यान रहे इसे फिर कभी मेरे पास लेकर मत आना। ले जाओ। जी सर, प्लीज सर। जी चलो, निकलो यहाँ से। मेरी बात मैंने कहा, सर, जाओ यहाँ से। मैं जो कुछ कह रही हूँ सब सच है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है सर। चलो एस्पेरांजा, चलो रीटा, चलो चुप जाओ। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि डायरेक्टर ने तुम्हें फिर से काम करने की इजाज़त दे दी है। बस एक काम नहीं कर सकती, कैदियों के बाल नहीं काट सकती, बाकी काम कर सकती हो, और बाकी काम करके अपना वक्त काट सकती हो। दरवाज़ा खोलो। मिसेस ग्लोरिया, तीन बार में तुम्हें सबक नहीं मिला, एक और बार किया तो। मैरीबेल, मैरीबेल। हाँ, क्या हुआ? डायरेक्टर से बात हुई तुम्हारी? कैस्ट्रो ने मुझको यकीन नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ सुनो, कुछ उस एनजीओ वाले आदमी को बता देते हैं, वो हमारी मदद कर सकता है। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि सियरा तब तक इंतजार करेगा कि वो हमारी मदद करे? नहीं मेरे बहन। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ? मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। परीता ने मुझे बताया मैं काम शुरू कर सकती हूँ, तो अब मैं रसोई में जाकर सामान उठा सकूंगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस आदमी को खुद को छूने भी नहीं दूंगी। रसोई से? अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाथ में पैन ही क्यों ना हो, उस घटिया इंसान के सिर पर मार दूंगी मैं। हमारी रक्षा में। तो अब क्या, अब हम कहाँ जा रहे हैं? शुक्रिया दोस्त, हम यही रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे नहीं जा सकते। आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ, तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, सच कह रहा हूँ। जूलियन, वहाँ पर जो औरत है ना, वो मुझे घूर कर देख रही है। कौन सी औरत? वो देखो, वहाँ पर है वो। तुम्हें पता भी है हम पर नजर रखी जा रही है। रुको रुको, कबैठो।
कमेटो, वो कौन सी जगह बताई थी तुमने? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, हम खुद वहाँ चले जाएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं। देखो तुम्हें शहर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चलो, वो पास में ही है। हाँ हाँ चलो जल्दी। कितनी देर पहले तुमने उसे देखा था? ठीक है, हाँ मुझे पहले ही यह खबर मिल चुकी है, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ओके बाय। क्या फिर से कोई गलत खबर मिली है? नहीं नहीं नहीं, फुलिया तो बिल्कुल वही बताया है उसने। खैर अब तुम्हें मेरे दो काम करने हैं। पहला ये कि तुम प्लमर को मेरे बारे में पता नहीं चलने दोगे, तब तक मैं आईबग जाकर वो बैकपैक ढूंढकर उस लड़की के लिए कुछ करता हूँ। ओके, और दूसरा काम? एक कप कॉफी मिलेगी? कोई पुरानी हवेली है? नहीं। तो क्या? ये एक जेल है। पूरे इबाग के टैक्सेस यहीं पर इन्वेस्ट किए जाते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। और तुम कह रहे हो कि हम पूरी रात यहीं रुकेंगे, है ना? चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो इस तरफ, मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। कबीटो कबीटो रुको, देखो मुझे बहुत भूख लगी है। हां मैं कुछ ले आऊंगा अभी, चलो संभल कर, चलो इस तरफ आओ। आखिरकार हम पहुंच ही गए, यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। ये जेल तो एकदम कबूतर खाना लग रहा है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। ये सही जगह है ना, क्या लगता है? तुमसे एक सवाल पूछो। पूछो। तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मैंने तुम्हें परेशानी में देखा, बस इसलिए। तुम तो जानते हो कि हमारे पीछे पुलिस है। क्या मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ इसके? मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ के नहीं हो। एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, इस शहर के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी अच्छा होगा। खैर वो सब छोड़ो, मैं चलता हूँ यहाँ से। सुनो कवेटो, इधर आओ। शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए। यहाँ हर कोई यही तो चाहता है कि कोई उसे शुक्रिया कहे। जरा सुनो, इससे पहले तुम दोनों के बीच प्यार हो जाए और तुम किस करो, क्या मेरे लिए कोई खाने के लिए कुछ लाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा राजकुमारी चाहे। हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। तुम भी कमाल के हो, उससे ऐसा बर्ताव किया जबकि उसने हमारी मदद की। मैं पहले ऐसा नहीं था मिकेला, जिंदगी की मार खाकर ही ये सब सीखा है। हाँ मैं भी नहीं, अगर तुम्हारी उस मिसेस एस्पेरांजा ने वो सब किया ना होता तो आज मैं ऐसी बिल्कुल नहीं होती, कुछ और ही होती और हालात भी एकदम अलग होते। मिकेला तुमने सोचा है? कि तुम्हारी माँ एस्पेरांजा ने जो कुछ भी किया उसने आखिर ऐसा क्यों किया? मेरी आंटी ने बताया था कि वो हमेशा मेरे पापा से लड़ती रहती थी और उन्हें कभी चैन से रहने नहीं दिया। नहीं ये सच नहीं है। क्या तुम वहां पर थे? नहीं, पर तुम्हारी माँ ने मुझे यही बताया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है? नहीं मिकेला, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुम आखिर क्या बोल रही हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को मारने की सजा भुगत रही है, सच है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बिना किसी सवाल के तुमने मान लिया कि तुम्हारी आंटी ने सच कहा है? क्या तुमने खुद से कभी पूछा कि एस्पेरांजा ने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी खातिर खुद सलाखों के पीछे गई। क्यों किया बताओ? मिकेला वो इसलिए कि वो रहे दोनों। डरो मत, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी भागकर कहाँ जा रहे हैं?
सुनो तो। ठीक है, सुनो। चलो आ जाओ। देखो, तुम हमें देखना चाहते हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं हमारे पास। जो भी आ निकाल, तो मैंने कहा निकाल, कुछ नहीं मिलेगा। आज मेरी राजकुमारी। छोड़ो, मुझे क्या है खुद को। हाँ, अभी तेरा मारिया बिगाड़ते हैं। रुक, बंद कर कहा ना। छोड़ो मुझे, तुम चाहो तो तेरी गर्दन का हुंडा बिगाड़ता हूँ। नहीं, जल्दबाजी नहीं, अभी नहीं। उस्ताद से उस्तादी दिखाएगा ये। हमसे होशियारी। तुम्हारे लिए यही। चल चल अंदर, चल बोला ना, चलना चल। और क्या है इनके पास, निकालो तो। देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को हमसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ए चुप, तुझे हमें पैसे देने पड़ेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है। वक्त बर्बाद मत कर, पैसे निकाल, जल्दी निकाल। देखो, मेरे पास सिर्फ बिल्स है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो देख सकते हो। झूठ मत बोल, मुझे पता है कि तू जेल से भाग के आया है। तू बहुत हसीन है। सच में इतना मजा मुझे पहले कभी भी नहीं आया। देखो, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं वो मुझे दे दो। और वो तुम्हें एक रुपया भी नहीं देंगे क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है कि तूने उस पुलिस वाले को मारा है ना। सच में कातिल है। अगर चाहो तो ऑटोग्राफ दे सकती हूँ। ए लड़की, जुबान बंद कर, वरना तेरी जीभ काटूंगी और उसके बाद तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर सड़ती रहना उम्र भर जेल में। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे, तू यहीं पे रुकेगा या हमारे साथ चलेगा? चलो जल्दी करो, अब यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी यहाँ से निकलो। ए, उतरना, उतर। देखिए, आपको इस काम का बहुत एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि वो काबिल है या नहीं। कैसा काम कर रही है वो? वो कैसा काम कर रही है, इस बारे में मेरे लिए कुछ भी कहना जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। देखिए, आप मेरी बात समझे नहीं, हमारा मकसद सिर्फ उसकी मदद करना है, बस हम यही चाहते हैं। हम उसे खास समझ कर नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे बताओ कि वो कैसा काम कर रही है, मुझे आपकी राय चाहिए। ये कहना बहुत ही मुश्किल है, मुझे माफ कर देना। अब मैं जो भी आपसे कहने वाला हूँ उसके लिए, मैं जानता हूँ कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, पर मैरियाना को नई तकनीक के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। और तो और, उसे कानूनी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर मैं उसे हर चीज सीखने में मदद करूंगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप उसकी मदद करें, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बिना किसी की मदद के सारा काम करना होगा। अगर उसे मदद मिलेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप उसे एक नए एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट कीजिए, और मेरे ख्याल से मारियाना के लिए यही अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, मैं ध्यान रखूंगा। क्या आप घर चले? हाय, मैं नहीं जा सकती, मुझे काम खत्म करना है। लगता उन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा काम दे दिया है ना। अगर तुम चाहो तो मैं रेमिरेस से इस बारे में बात कर सकता हूँ, क्या बोलती हो तुम? ऐसा सोचना भी मत रिकार्डो, मुझे अभी भी अच्छे से नहीं पता कि प्रोग्राम्स को कैसे मैनेज करना है। अच्छा ठीक है, देखो तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ? नहीं, सच में फिक्र मत करो, पर हाँ, मुझे दूसरे काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे सामी की फिक्र हो रही है, बेबीसिटर के जाने के बाद तुम उसके साथ रह सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर क्या तुम पूरी रात यहाँ पर काम करने वाली हो? हाँ, मुझे ये सीखना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सैमुअल का ध्यान रखूंगा, यू जस्ट टेक केयर। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस काम को खत्म करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम जल्दी से काम खत्म करो। चलो, मैं भी चलता हूं। ये मेरी चाल। सियरा, क्या हाल है तुम्हारा?
क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम एस्पेरेंजा के पीछे पड़ गए हो, पर तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे हंसी आ रही है। मुझे अब उस औरत से कोई लेना देना नहीं। पता नहीं क्यों उसी की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। मुझे पता है तुम कितने गिरे हुए हो। देखो, तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं सभी को बता दूं कि तुम्हें मेल गार्ड पार्टनर से ज्यादा फीमेल कैदियों में दिलचस्पी है? जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरती, समझ गए? डरना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम जानती हो कि यहाँ गद्दारों के साथ क्या किया जाता है, खासकर धोखेबाजों के साथ। अपना ख्याल रखना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो, समझी मेरी जान? मुझे माफ कर, काम नहीं चल रहा, हाथ चल गया। ओह ओह।